नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कोरोना अब तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। कोरोना संक्रमण जो है वो धीरे धीरे इस कदर बढ़ता जा रहा है कि राजधानी पटना में एक बार फिर से हाहाकार की स्थिति है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना के मरीज पाए गए हैं और इन मरीजों में पटना के एक डॉक्टर भी शामिल है और टोटल 32 मरीज तो सिर्फ पटना में पाए गए हैं। पिछले दिनों हमने आपको आंकड़ा बताया था और ये बताया था कि पटना जिले में 29 मरीज पाए गए हैं, लेकिन बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे राज्य में 236 एक्टिव केस हो चुके हैं, यानी कि 200 का आंकड़ा जो है कोरोना ने पार कर लिया है। और इसके साथ ही 32 नए संक्रमित मरीज पटना में मिले हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर भी शामिल है और ये डॉक्टर जो है NMCH के डॉक्टर हैं। इनमें भी कोविड की जांच में संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि अस्पताल और वैशाली से आए 325 सैंपल की आरटीपीसीआर जांच हुई, जिससे 3 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें एक डॉक्टर भी हैं। संक्रमित पाए जाने वाले लोग कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, शास्त्री नगर, बुद्धा कॉलोनी, मीठापुर, गोला रोड, राजीव नगर और फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि 8 जिलों में 57 नए मरीज भी पाए गए हैं कोरोना के। और इसके साथ ही ये जो आंकड़ा है कोरोना का वो बढ़ करके 236 हो चुका है पूरे बिहार में। तो अब स्थिति जो है धीरे धीरे डराने वाली होती जा रही है, धीरे धीरे सावधान करने वाली होती जा रही है। और यदि आपने सावधानी नहीं बरती, यदि आपने अब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना शुरू एक बार फिर से नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े और एक बार फिर से अस्पताल का मुंह देखना पड़े। देखिए, हम बात करें तो राज्य के 8 जिलों में कोरोना के कुल 57 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 236 पहुंच गई है। पटना के अलावा भागलपुर जिले में 9, खगड़िया जिले में 5, मुंगेर जिले में 4, दरभंगा जिले में 2 संक्रमित मरीज कोरोना के पाए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने कोरोना मरीजों की जांच इलाज के लिए सभी जिलों के लिए टोल फ्री मेडिकल हेल्पलाइन नंबर जारी की है। इस हेल्पलाइन पर मरीज 24 घंटे अपने नजदीकी अस्पताल की से जानकारी और चिकित्सीय परामर्श, इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से परामर्श देने की सुविधा ले सकते हैं। साथ ही कोरोना मरीजों की भर्ती कराने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा की सुविधा भी ली जा सकती है। कम सैंपल की वजह से समय पर जो है जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है। और लेकिन फिलहाल यह अगर हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, संक्रमण की बात कर लेते हैं कोरोना की, तो देखिए लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है। और सबसे डराने वाली स्थिति तो पटना जिले की है, पटना जिला, और ऐसा भी हो सकता है कि राजधानी पटना में फिर वही नजारा देखने को मिले जो कोविड के पहले और दूसरे फेज में देखने को मिला था। लेकिन आप समझ लीजिए कि बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने भी आगाह किया है, बिहार के स्वास्थ्य महकमे ने भी आपको अलर्ट किया है और कहा है कि देखिए कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, सड़कों पर जब निकलिए तो मास्क पहनकर निकलिए और खुद की सुरक्षा देखिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरी तरीके से नहीं जाने वाला है बिना आपके सहूलियत के, बिना आपके सावधानी के। ये संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जाएगा और यही कारण है कि बिहार में एक बार फिर से दहशत की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है भविष्य में, क्योंकि आंकड़ा बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 230 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना बिहार में। और सबसे खास बात कि NMCH के एक डॉक्टर सहित पटना में 32 नए संक्रमित मरीज पाए गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।